जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, माउस ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, माउस ट्रैप को हम जो है वो सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेप आप लोगों के सामने हो जाए ना तो आपको अच्छा इजी हो अच्छा जाएगा। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो हम पहले कीवर्ड सर्च कर रहे थे उससे क्यों नहीं आ रहे थे। देखें, जो नीश छोटी होती है, जो मजे की नहीं होती, जिसमें कंपटीशन भी मजे का नहीं होता, तो वो इस तरीके से गूगल पे भी शो नहीं होती। ठीक है, जो आप क्राइटेरिया से मीट करते हुए आते हैं ना, उसी की यहाँ पे हमें तगड़ी लिस्टिंग मिलती है। चले आगे चलते हैं। माउस ट्रैप एक विनिंग कीवर्ड ही रहा है किसी जमाने में, लेट्स सी, ये है, इसको ये देखो वाली जरा। कीवर्ड वो है अपना लिस्टिंग। ठीक है, बाकियों को क्लोज कर देता हूँ, इसको ओपन कर एक लेता प्रोडक्ट हूँ। खुलनी चाहिए, अगर मिक्सिंग हुई तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये एक ही प्रोडक्ट आपके सामने आई ठीक है, है, ये इस तरीके देखें, से आनी चाहिए। ठीक हो टैग भी गया। इसके पास अमेज़न का टैग है चॉइस का। ठीक है, अब ये हमारे काम की एग्जैक्टली। बिल्कुल, ठीक है, अब इसका मुझे किन्नू। लग रहा है ये इसलिए आई है कि ये ब्रांड नेम है। अच्छा जी, माउस ट्रैप ब्रांड ब्रांड नेम कैसे होगा? माउस ट्रैप कीवर्ड है सर। कीवर्ड माउस ट्रैप है। ठीक है अच्छा, ठीक हो गया, समझ जी, आ गया, मुझे अब समझ जी आ गई क्या इशू। सही है। जी अच्छा जी, बहरहाल अब किनोनिकल आपका, बेसिकली किनोनिकल 5 अल्फाजों का होता है। ठीक है, सबसे पहले आसान तरीका ये, आपने अगर इस तरह से आप ढूंढ के आ गए हैं ठीक है तो फिर आपके लिए आसान है। ये देखिए, एक ये लिखा हुआ यहां से amazon.uk के बाद 1 2 3 4 5। मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ। ये ह्यूमेन, इनलार्ज्ड, रोडेंट, चिल्ड्रन, फ्रेंडली, ये जो 5 वर्ड्स है ना, ये जो आपके सर्चिंग बार में लिखे हुए हैं, इन 5 वर्ड्स को हम कहते हैं कैनोनिकल यूआरएल। ये जिसका तगड़ा बना हुआ होगा ना, जो भी ये इसको बनाना जानता है, उसकी लिस्टिंग गूगल पे आती है। आपने अब यही कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में डालने हैं। ठीक हो गया, अब या तो आप यहां से उठा लें, नहीं उठा सकते, अब मजीद आपको चेक करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर राइट एंड पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आगे ये व्यू पेज सोर्स, ठीक है, इसको एक मरतबा आप क्लिक करें। थोड़ा सा इंतजार कर लें। वेट करें, इसको बोले सर हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बट वी नीड रिजल्ट। अच्छा जी, ये आ गया, कोई बात नहीं। कंट्रोल एफ करेंगे, मतलब किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एफ। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे किनोनिकल। ठीक है, इसको आप एक दफा एंटर करें। अच्छा जी, ये स्टक हो गए, देखे ना, ये स्टक हो गया, इसको दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको बंद कर दे। दोबारा इसको यहां से आके, सर इस टाइम इंटरनेट स्लो बहुत चल रहा है, लोड आ रहा है इसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। चलिए जी, थोड़ा सा इनके आंखों के सामने हो जाए ना तो इजी हो जाता, नहीं होता तो फिर वो इनसे भी नहीं होता। सर आप इनकी असाइनमेंट शीट वाला जो ब्राउजर है उसको भी बंद कर बंद दें, कर दे। काफी सारे ब्राउजर्स ओपन हुए हैं ना, तो नेट ऑलरेडी स्लो है। चले जी, ये ओपन हो गया, इसका व्यू सोर्स पेज कंट्रोल एफ। ठीक है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल एफ, एंटर। किनोनिकल लिखा हुआ है। ठीक है, एंटर किया, अब आपने एंटर किया, ये है बेसिकली आपका यूआरएल किनोनिकल। ठीक है, अब ये देखिए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये आपने अपनी लिस्टिंग में भी ऐड करना है होगा। ठीक है, ताकि आपकी ये बेसिकली वो कीवर्ड हैं जो कि आपकी आपकी प्रोडक्ट, अगर ये माउस ट्रैप है ठीक है, तो ये आपकी भी जो भी लिस्टिंग बनेगी उसको यहाँ ले आएगा ये गूगल ऑटोमेटिकली पे, गूगल खुद गूगल इसको पे, हाँ प्रमोट करता है। गूगल पे ले आएगा। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। ठीक है, अब आपको अगर गूगल से नहीं आना है, नहीं समझ आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे चले जाएं अपने इस पे
अपना Amazon के पेज पे आ जाएं, ठीक है, जो भी मार्केट प्लेस है आप अपना कीवर्ड लिखें, ठीक है। कीवर्ड लिखने के बाद जो इस तरह से ढूंढे जिसके ऊपर बेस्ट सेलर और बेस्ट जो है वो आ रहा हो, Amazon Choice आ रहा हो, ठीक है, उसको आप ओपन कर लें, ठीक हो गया। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इसका इस तरह से व्यू सोर्स करके आपको ये सामने भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो और कंफर्म करने के लिए इसको आप सोर्सिंग इसका भी निकाल लें आप। सो बेसिकली सर ने दो तरीके बताए, एक तो आप व्यू सोर्स पेज, इस पेज पर आकर कैनोनिकल एंटर करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल गया। अदरवाइज आपने जो कीवर्ड अपना लिखा और उसमें से जो रिजल्ट आए उसमें से जिसके पास बेस्ट सेलर का बैच था या Amazon Choice का, उस लिस्टिंग को आपने ओपन किया। फॉर एग्जांपल ये वो हमारी लिस्टिंग है, लेट्स से मेरा मेन कीवर्ड था माउस ट्रैप फॉर एग्जांपल, और उसमें से मैंने ऐसी लिस्टिंग ओपन कर ली जिसके पास बेस्ट सेलर का बैच था, ठीक है। सिंपल दूसरा तरीका बता रही हूँ, अगर आपने गूगल के थ्रू नहीं आना। अब यहां से आप इसकी सर्च बार में देखिएगा, ये देखें ये कैनोनिकल यूआरएल, 5 words, ह्यूमेन एनलार्ज्ड ब्रॉडन चिल्ड्रन फ्रेंडली, ओके। सर इससे आगे क्या करना है? अच्छा जी, कैनोनिकल आपको पता चल गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप जरा लिस्टिंग क्रिएट करने पे आ जाएं थोड़ा सा। वहां सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, आप यहाँ पर आएंगे, ये कैटलॉग है, ठीक है, कैटलॉग, ये Amazon सेलर सेंटर लिखा होता है, इसके नीचे ये कैटलॉग है। कैटलॉग के बाद ये लिखा हुआ ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको आप एक मर्तबा क्लिक करें, थोड़ा सा वेट कर लें, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है, किसकी करनी है, पीएल की करनी है। पीएल का मकसद ये होता है प्राइवेट लेबल, ऐसी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं जो कि Amazon पे पहले सेल नहीं हो रही है, ठीक है, पहले सेल नहीं हो रही है, क्योंकि ये दिस इज नॉट होलसेल, ठीक है, यू आर डूइंग पीएल प्राइवेट लेबल, ठीक है, न्यू लिस्टिंग। अब इसका मतलब ये है, मैं मजीद इसको सादा जबान में क्लियर कर दूं कि अब हमारा फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड है माउस ट्रैप। अब आप ये सोच रहे होंगे Amazon पे माउस ट्रैप तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, पीएल में हम अपने ब्रांड नेम के साथ जाएंगे, हाँ ना, आपका ब्रांड तो नहीं बिक रहा ना वहाँ पे। हाँ जी, आपका ब्रांड अभी तक Amazon पे नहीं बिक रहा। फॉर एग्जांपल हम, मैंने अपना ब्रांड नेम रख लिया जी फाइन एम्स माउस ट्रैप, ठीक है, अब ये Amazon पे नहीं बिक रही, फाइन एम्स के साथ जो माउस ट्रैप है नहीं बिक रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोल रहे हैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। जब भी पीएल की लिस्टिंग आप बनाएंगे अपने क्लाइंट के लिए तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आएंगे। चलिए इसको क्लिक करें आप, अच्छा जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे यूआरएल कैनोनिकल यूआरएल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपकी मेन जो है वो सही से सेलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी अगर आपने आपकी प्रोडक्ट है जो कि सब कैटेगरी में आती है, आपने मेन कैटेगरी में रख दिया ना तो आपकी फीसेस बढ़ जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है, आपकी फीसेस बढ़ जाएंगी। फिर आप ये नहीं कहिएगा कि यार ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, भाई जी आपको पता ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट सब कैटेगरी वाली है, आप सब कैटेगरी में डालो ना, ठीक है। अच्छा जी मुझे क्या पता है जो माउस ट्रैप है ये किस कैटेगरी में आएगा, मुझे नहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या करूंगा मैं, एक्सपर्ट हूं या नहीं हूं उसको आप साइड पे रखें, लॉजिकल बात करें कि भाई एग्जैक्ट कैसे पता चले कि ये Amazon को, ये मेरी प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी में रखता है, ठीक है। अब वही सिंपल वो रखेंगे जो हमने वो Amazon का ये चॉइस टैग वाला लेकर आए थे, अब ये वाला, इसकी कैटेगरी हम देखेंगे कहां से देखेंगे, ठीक है। अभी यहां पर ये कैटेगरी नजर तो आ रही है लेकिन ये कम नजर आ रही है, मुझे शायद इसमें वो थोड़ा सा डाउट है, इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके URL पे आऊंगा, URL के बाद ये देखें www.amazon.co.uk के बाद जो 5 आपके वर्ड थे ना कीवर्ड, इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, रिमूव करूंगा, ये 5 को मैंने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको कहता हूं रिमूव, ठीक है, और एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद मुझे ये एग्जैक्ट वही इसकी कैटेगरी दिखा देगा, देखें ये ऐड हुआ है अभी, गार्डनिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल,
रोडेंट कंट्रोल बेसिकली हमें नहीं पता था, हम तो यही कह रहे थे कि ये चूहे पकड़ने वाला कोई गैजेट है और अपने माइंड के मुताबिक आप कहीं भी, तो किचन में भी डाल रहे थे इसको, फिट कर देते आप इसको किचन आइटम में भी डाल देते, बट इसकी गार्डनिंग मेन कैटेगरी सब कैटेगरी में बता रहे प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल, उसके अलावा रोडेंट कंट्रोल। इससे ये होगा मेन चीज ये है अमेजोन के ऊपर, वो जरा जरा सी चीज पे आपसे वो आपकी फीसेस मांग लेते हैं। अच्छा ये है इसके सब कैटेगरीज, जो मेन कैटेगरी है वो है गार्डन एंड आउटडोर्स। अगर अपनी अकल के मुताबिक आपने लिस्टिंग बनाते हुए गार्डन एंड आउटडोर सेलेक्ट कर लिया तो आपकी फीसेस बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए ये चीज बहुत वाइसली आप लोगों ने देखनी होगी। अच्छा यहाँ सिर्फ आपने देखा अभी, ठीक है अभी आप अभी अपने वो एक्सपर्ट लेवल इसमें इस्तेमाल ना करें, नेक्स्ट क्या करना है ये आपने कर लिया, दोबारा इसको पीछे कर ले ताकि वो सारे कीवर्ड आ जाएं आपके पास वापस जो ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है मैंने इसको जस्ट बैक किया एक दफा, बैक करें इसको दोबारा चलने दें वापस उसी कंडीशन में आ जाए। इंटरनेट क्यों स्लो हो रहा है? अच्छा जी ये वापस उसी कंडीशन में आ गया। ठीक है ऊपर जो इसके कैनोनिकल कीवर्ड लिखे हुए हैं वो दोबारा आ गए हैं। ठीक है अब आप क्या करेंगे, अब आप उसी लिस्टिंग को, ये चलता ही जा रहा है बस। अच्छा जी इस इन्हीं कीवर्ड को आप कॉपी करेंगे यहां से लेके 1 ये 2 3 ये 3 4 एंड ये 5। ठीक है ये आपके पास 5 कीवर्ड हैं, इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सेलर सेंटर पे लेकर आएं। ये देखिए ये कह रहा है आप सर्च करवाएं अपनी प्रोडक्ट, ठीक है ब्राउज करवाएं, यहाँ पे आके पेस्ट करें एक मरतबा, जो इसके अंदर वो डैशेज आ रहे हैं ना वो हटा दें, ठीक है लाइन जो आ रही है ठीक है ये हटा दें आप, ये हटा दें ठीक है, ये आपने हटा दिया। अब इसको आप सर्च करवाने के बाद, अच्छा जी एक मिनट, नो मैच फाउंड, चलो जी नो मैच है कोई बात नहीं, हम कोई और फिलहाल प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल को कॉपी किया मैंने, यहां पर आके लिखा माउस ट्रैक, ठीक है इसको सर्च करवाया। ये देखिए ये आपको अलग अलग जो है ना कैटेगरीज निकाल के दे रहा है कि इसको आप कहां पे फिट कर सकते हैं। ठीक है पेशियो लॉन एंड गार्डन में भी ये कह रहा कि ये आएगा। ठीक है ये देखें ट्रैप्स, अच्छा जी मजीद इसको कंफर्म करने के लिए मैं कुछ और भी इसके देखूंगा, बल्कि मैं इधर ही इसकी जो है ना एक और लिस्टिंग निकाल लेता हूं ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि ये क्या क्या है।
अच्छा उसका शायद उसने पीपीसी वो स्पॉन्सर्ड में उसका आ रहा है, उसने स्पॉन्सर्ड से उसको गूगल पे रखा हुआ है, इस वजह से इसने जो है ना वो मेन कीवर्ड तो उसका यूज किया ही नहीं है इसने, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड वाला हो सकता है, ठीक है, इस वजह से इसकी जो है ना वो आ नहीं रही है, क्योंकि आप ये देखें ना यहाँ पर ये सेम वही प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड में आ रही है। स्पॉन्सर्ड वाले को तो हमने उसके तो अरीब करीब ही नहीं भटकना, ठीक है, बेस्ट सेलर है ये वाला स्पॉन्सर्ड है, यही प्रोडक्ट आ रही है, इसके कीवर्ड जो है ना इसने स्पॉन्सर्ड के थ्रू इसको यहाँ पे पहुँचाया हुआ है, तो ये तो नहीं हमें चाहिए, ठीक है, जो इसकी ऑर्गेनिक है असल है। अब ये देखें यहाँ पर तो कम से कम इसका कीवर्ड तो आ रहा है ना, देखें ये वाले इसमें इसने चार इस्तेमाल किए, कोई बात नहीं चार ही फिलहाल ले लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी ये सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान से, टाइम लगता है नो प्रॉब्लम, टाइम लगाए कोई बात नहीं, कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं है, लेट होता है भले लेट हो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कैटेगरी, ये हमें ये भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी एक और माउस ट्रैप कर लेते हैं इसको, ठीक है, आपका कीवर्ड भी तो आएगा ना। अच्छा जी आप ये कौन सा बता रहा है, तीन हैं आपके मैचेस इसमें से, तीन रिकमेंडेशन आ रही हैं रिकमेंडेशन ने, ये पेशियो लॉन एंड गार्डन भी आ रहा है पेशियो, अच्छा बेसिकली ये होगा ही इसी में, ठीक है, पेशियो एंड लॉन एंड गार्डन में आ रहा है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बड़ी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है, बड़ी कैटेगरीज आ रही है, आप कोशिश करें कम से कम जो कैटेगरीज आप उठा सकें वो सब कैटेगरी कम से कम हो, मेन कैटेगरी तो ये हो गई, उसके बाद ये सब कैटेगरी, फिर उससे भी छोटी जो सब कैटेगरी की, ठीक है, इसको कम से कम आप ये करें, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं किसमें, पेस्ट कंट्रोल डिवाइसेस में जाते हैं, ठीक हो गया, पेशियो लॉन एंड गार्डन कैटेगरी हमारी हो गई। अब ये इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, आपने सेलेक्ट किया ये इसको, अब कैनोनिकल जो आपने बनाया है वो भी आपको पता हो, ठीक है, वो आपके काम का है, उसको रखिएगा जरा, चले जी एक मिनट इसको देख लेते हैं। दोबारा वही प्रोसेस, नॉट सेलिंग ऑन अमेज़न, ठीक हो गया, ये हटा के अच्छा जी हमारा अकाउंट जो है वो रिएक्टिव करने को कह रहा है, मैं कर देता हूँ, हो जाएगा ये, कनेक्टिव किया हुआ किंगडम में चल। अच्छा जी इसकी एक और वजह होगी कि हमारा अकाउंट जो है वो यूएसए के लिए है और प्रोडक्ट हम यूके की लेकर आ रहे हैं, तो इस वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए एक्टिव हो गया है अभी,
एड अ प्रोडक्ट मैं इधर अपना कीवर्ड डालता हूँ उसको सर्च करवाता हूँ इसने ये निकाल के दे दी कैटेगरी सबसे छोटी वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चले जी अभी ये हमारा यूएसएल अकाउंट है यूपी की नहीं होती इधर चलिए जी फिलहाल इसको हम रहने देते हैं आपके लिए वो टेम्पलेट्स है मैं उसी पे आपको करवा देता हूँ कल तक इसको सीधा कर दूंगा मैं ठीक है एक मिनट मुझे दीजिएगा मैं टेम्पलेट्स ऑन कर लूँ इंटरनेट कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है चलो जी यही है सेलर सेंटर आपका अच्छा जी ये हो गया हमारा मेन पेज कैटलॉग ठीक है ऐड अ प्रोडक्ट एड अ प्रोडक्ट के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर
I am not selling on Amazon, not already sold on Amazon. ठीक है, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट हो गई, मैन्यूअल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट आइडिया यही है कि आप जो है वो कैनोनिकल लेकर आए और उसी के साथ आप आके जो है इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद आपको चाहिए होता है ये यूपीसी, यहाँ पे जो बार कोड यूपीसी, यूपीसी पहले यूपीसी को समझ लेते हैं कि यूपीसी क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है, मतलब यूपीसी। थोड़ा सा और आगे करते हैं इसको, यहाँ तक लेकर आ जाते हैं इसको। ये देखिए यूपीसी आपकी इस तरह की होती है, अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपको यूपीसी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप यूके में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप जब अपने प्रोडक्ट के लिए लेने जाएंगे यूपीसी को, उसको आप ईएएन कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे टेम्पलेट्स बनी हुई है उस पर चल के देख लेते हैं कि ये क्या है बेसिकली। यूपीसी आपका आपकी प्रोडक्ट के लिए एक जो है वो बार कोड होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये माना जाता है। स्कैन करो और आपकी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है यूपीसी। ये है बेसिकली यूपीसी। आप जो है वो कहां से खरीदते हैं, GS1 इसकी ओरिजिनल जो है वो जनरेट करने वाली होती है, जो सेल कर रही है पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, बाकी नेशन वाइड जो है इसकी एफिलिएट वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको दे सकते हैं www.nationwidebarcode.com। ठीक है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यूपीसी होगा या ईएएन नंबर हो गया, ये सेम है। ठीक है, यूके के लिए ईएएन नंबर होता है, ठीक है, और यूएसए के लिए यूपीसी। अच्छा जी, एक मिनट, इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं। नेशन वाइड से भी नेशन वाइड बार कोड। ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी यूपीसी, आप यहां से खरीदते हैं, जो कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी नेशन वाइड है। ये है बेसिकली बारकोड, इस तरह का होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की जो है वो चार वेरिएशन है, तो आप बारकोड कितने खरीदेंगे, चार। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट चार वेरिएशन है। ठीक है, एक वेरिएशन के आपकी जो है वो प्रोडक्ट हैं कम से कम 200 हैं। ठीक है, यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, और उसके अलावा जो दूसरी वाली है वो है आपके पास 500। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप एक यूपीसी खरीदेंगे, ठीक है, जिसके आप कॉपीज बनाएंगे 200। ठीक है, जो फर्स्ट वेरिएशन है, जो सेकंड वेरिएशन के लिए आप न्यू बारकोड खरीदेंगे उसकी कॉपीज बनाएंगे 500। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी 500 क्वांटिटी है, इसी तरह से सो ऑन। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूपीसी वो यूज वाले भी मिलते हैं मार्केट में, वो कभी भी अपने क्लाइंट को आप सजेस्ट ना करें, क्योंकि वो जिस ये बेसिकली इस तरह से आसानी से नहीं मिल जाता है। इसके लिए आपको LLC देनी पड़ती है, इसके लिए आपकी कंपनी फॉर्मेशन आपको इधर रजिस्टर करवानी होती है कि भाई ये जो है वो हम ओनर हैं, हमारी प्रोडक्ट के लिए हमें बारकोड चाहिए,
अब उस वो बारकोड किसी की भी प्रोडक्ट पे लग गया तो वो आपका है सर, वो उसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा सस्ते के चक्कर में ना पड़िएगा, कोई बोले जी मेरे पास बारकोड पड़ा हुआ है अपनी प्रोडक्ट पे लगा दो चला लो, वो तो चला तो लो लेकिन जब भी उसका ईमान खराब हुआ तो आपकी सारी की इन्वेंट्री उसी की हो जाएगी, वो क्लेम कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी वापस चलते हैं आपके टेम्पलेट्स पे। यूपीसी क्लियर हुआ आपका, यूपीसी क्या है, बारकोड है, ठीक हो गया। कैटेगरी आपने सेलेक्ट की, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यूपीसी यहाँ पे आपने दिया, ईएएन नंबर आपने दे दिया, यूके में आप जा रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी आप नंबर होगा वो डाल के यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या दे रहे हैं, आईएसबीएन नंबर दे रहे हैं, यूपीसी दे रहे हैं, एसएन वगैरह तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जीटीआईएन नंबर आएगा, क्या दे रहे हैं, आपने क्या खरीदा अपनी प्रोडक्ट के लिए, आपने वो दे दिया, आगे चले। अच्छा जी प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब आप यहाँ पर वो जो आपने वो बनाया था ना, क्या कहते हैं, यूआरएल, कैनोनिकल यूआरएल, वो यहाँ पे आप आके देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नाम आपने दे दिया, वो कैनोनिकल पांच अल्फाज आपने यहाँ पर लिख लिए। ब्रांड जो आपका ब्रांड है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपने ब्रांड का नाम ले लेते हैं फाइन थिंग्स, ठीक है। आपने वो लिखना है जो किसी और ने रजिस्टर ना करवाया हो, जो आपने रजिस्टर करवाया। मैन्युफैक्चरर में इधर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें चाइना से जहां से आप मंगवा रहे हैं उसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख लें, और ज्यादा बेहतर भी यही है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर फलाना बंदा है, ठीक है, मैं इसका ब्रांड ऑनर हूँ, ठीक है। ब्रांड नेम तो आप अपना लगा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी चेक करवाई हुई, ये पेटेंट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी कलर की बात करेंगे, कलर आप लिखेंगे जो भी आपका रेड, नेवी ब्लू, पिंक, ग्रीन जो भी है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा कलर में इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जहाँ पे ये देखें रेड कलर के स्टार्स लिखे हुए ना आ रहे हैं, ये वाले कॉलम आपने जरूर डालने हैं, ठीक है। अमेजोन कहता है इसके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, वो आपने बता देना है, ठीक है। बाकी ये कलर का अगर आपकी कोई कॉम्बिनेशन है तो वो आप बताइएगा, कोई वेरिएशन है तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन आप ये वेरिएशन वाली नहीं है, सिर्फ एक ही है तो भी आप कलर बता सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट की डिटेल आ रही होती है ना, ये डिटेल में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी साइज वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप लाजिम यहाँ पर देंगे, क्या डायमेंशन है उसकी, किस तरह है, ठीक है, वो ये यहाँ पर आप लिखेंगे। अच्छा जी ये साइज हो गया, साइज मैप हो गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए ऊपर आपने पहले ये वर्चुअल इन्फो दे दिया, ठीक है। कोई वेरिएशन है तो फिर वेरिएशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आके वेरिएशन आप बनाते हैं इसी प्रोडक्ट की। अगर आपके पास कोई वेरिएशन है और उसको आप एक ही लिस्टिंग में लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसी लिस्टिंग में अपनी वेरिएशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है, उसी में भी लगा सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन वेरिएशन हो, सेम प्रोडक्ट की दो मर्तबा लिस्टिंग क्रिएट नहीं होती, लेकिन वेरिएशन की क्रिएट हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी आपने वेरिएशन पे क्लिक किया, ऊपर पहले ये लगा हुआ था, ये पीछे वाला जो भी था, ये जितना भी चल रहा था, ये वाला देखिए ये चल रहा था, ठीक है। अब ये वाला जैसे आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया। सेव अभी नहीं करना क्योंकि अभी होगा भी नहीं, जब तक आप सारी चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके बाद यस पे आ रहा होता। अच्छा जी वेरिएशन की बात करेंगे तो ये आप जैसे ही आप इसको वेरिएशन का पूछेंगे, ये आपसे पूछेगा थीम बताएं जी, सेलेक्ट करें, आप बताएंगे कि वेरिएशन है आपकी प्रोडक्ट तो किस चीज में है, क्या वो वेरिएशन कलर्स में है, क्या वो वेरिएशन साइज में है,
मटेरियल में किस चीज की वेरिएशन है आपकी, ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। वेरिएशन होगी, जिस भी वेरिएशन, जिस तरह की वेरिएशन होगी, जिस काइंड में होगी, वो काइंड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये सेलेक्ट कर लिया आपने, आपने कहा जी मेरी तो कलर्स में है बेसिकली, ठीक है, कलर साइज में है। अच्छा जी, आपने कलर में भी इसको कह दिया और साइज भी, ठीक है। अब आपने ऊपर वाले में बताया फर्स्ट मेरी जो है वेरिएशन है वाइट में है, वाइट में है, तो ये कौन सा हो? उसमें साइज इसका क्या है वाइट का, या नीचे आपको ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। आप बता दें जी वाइट वाली तो मेरे पास स्मॉल में है, ठीक है। ब्लू वाली आप, आपने खुद ही लिखा है इसमें, आपका आपके पास ऑप्शन है, ब्लैक होता है तो आप ब्लैक लिखें, ठीक है। फिर आप उसका ये बताएंगे कि ये किस कलर में है, मतलब किस, इसकी साइज क्या है, कलर तो इसकी ब्लू है, साइज इसका है, ये वाली ब्लू वाली जो है ये लार्ज में है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी जो भी आपकी वेरिएशन है ये आप बनाते जाते हैं और यहाँ पर एड वेरिएशन करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वेरिएशन होगी, मजीद आप इसको जितना चाहें वो उतना आप कर सकेंगे, ठीक है। वाइट स्मॉल में आ गई, और ये जैसे आपने ऐड किया, ये सारे ऐड कर दिए, कितने वाइट, वाइट के दो कर दिए, क्योंकि एक वाइट स्मॉल में भी है, एक लार्ज में भी है, ब्लू स्मॉल में है, ब्लू लार्ज में, ग्रीन स्मॉल में भी है, ग्रीन लार्ज में भी है, ठीक है। अगर आपके आपकी प्रोडक्ट में इतनी वेरिएशन है तो आप इतनी सारी वेरिएशन एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका SKU आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जाहिर सी बात है ये बना रहे हैं तो आपको SKU भी देना पड़ेगा कि जी वाइट वाली जो है स्मॉल, उसका SKU क्या है। फॉर एग्जाम्पल SKU हमारी ये माउस ट्रैप है, तो मैं इसको कहूँगा M और T, ठीक है, माउस ट्रैप, और 0, 0, 2 या 1, ठीक है। मतलब जो स्मॉल वाली है उसका SKU ये मैंने बनाया। अब व्हाइट वाली जो है वो व्हाइट वाली, लेकिन इसका मैं अगर SKU बनाऊंगा तो किस तरह बनाऊंगा, माउस ट्रैप का MTL002, ठीक हो गया। तो इस तरह से SKU आप बनाते अपने हाथों से, यहाँ पे ही आप बना सकते हैं लिख के, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ID क्या है, प्रोडक्ट ID वही है जिसे मैंने आपको बताया, UPC या EAN, ठीक है। EAN आपको काम आता है, आप जब UK में सेल कर रहे होते हैं तब आप खरीदते हैं, जब आप USA में बेच रहे होते हैं तो आपको UPC चाहिए होता है। हर वेरिएशन की अलग अलग ये आएगी UPC, ठीक है। यहाँ पर ये वाइट स्मॉल वाली है तो उसकी अलग आएगी, जाहिर सी बात है लार्ज में है तो लार्ज की अलग आएगी, ठीक है। वो वाइट है, वो सेम वो माउस ट्रैप है, लेकिन कलर चेंज है, आपको वेरिएशन, आपको पता है कि वेरिएशन ही है, तो उसकी